पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर पॉली फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है। आज का हमारा सब्जेक्ट EEE फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्ट्रीम मीटिंग है। ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है, इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हो चुका है जिसमें आप लोग को 10 तक सिंबल तक पढ़ाया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11 से। परिपथ, परिपथों का एकल लाइन प्रदर्शन, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। अब हम लोग परिपथों को देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन को, या फिर उसमें खंड को, दो तार को, तीन तार को, सब हम इस वीडियो लेक्चर में आज आपको समझाएंगे। पहला, एक तार परिपथ खंड, सिंगल लाइन वायर सर्किट पार्ट। तो आप जो एक लाइन देख रहे हैं, जो एक तार परिपथ खंड है, सिंगल लाइन वायर सर्किट। अब आपसे वो पूछ लिया अगर दो तार परिपथ खंड, तो आपको एक सिंगल लाइन खींचना है और दो लाइन ऐसे खींच देना है। आपने उसमें पढ़ा था दो तार परिपथ खंड, तो उसमें सीधी सीधी दो लाइनें खींचनी थी। इसमें ऐसा नहीं है, सीधी सीधी दो लाइनें नहीं खींचना है। दो तार परिपथ खंड में आपको एक लाइन खींचना है और दो उसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें खींचना है, तो जो हो जाएगा दो तार परिपथ खंड। ऐसे पूछेगा तीन तार परिपथ खंड, तो आपको तीन तार परिपथ खंड में एक सीधी लाइन खींचना है और तीन छोटी छोटी लाइनें खींच देना है, तो जो हो जाएगा तीन तार परिपथ खंड। चार तार परिपथ खंड में अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं इसमें एक सीधी लाइन खींच के और चार लाइनें खींचेंगे, नहीं, आप सिर्फ लाइन खींच के ऊपर नंबर डाल दीजिए तो हो जाएगा चार तार परिपथ खंड। ऐसे ही वो आपसे कितना भी पूछ सकता है एंड सून लास्ट तक, इसलिए हमने आखिरी में पाँचवा रखा है एन तार परिपथ खंड। इसमें आपको एक सीधी लाइन, फिर एक खंड और उसके ऊपर एन, तो जो हो जाएगा एन तार परिपथ खंड। इतने आपको जो परिपथ एकल लाइन प्रदर्शित लाइन दिख रही हैं पाँच, जो आपको याद करनी है, जो आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम में, एक तार परिपथ खंड का डायग्राम बनाइए, दो तार परिपथ खंड का बनाइए, तीन तार परिपथ खंड, या एंड सून लास्ट तक, जितना भी वो पूछ सकते हैं उतना आपको बनाना है, इसलिए जो आप लोग याद रखना। अब है हमारा 12वां, एकल मार्गी स्विच, सिंगल वे स्विच, जो एक सिंगल स्विच होता है जो एक ही जगह सप्लाई करेगा उसका। एकल ध्रुवी स्विच, सिंगल पोल स्विच, तो ये देखिए एक ये बना है हमारा गोला, उसके ऊपर एक तार जा रहा है, जो हो गया एकल ध्रुवी स्विच। अब द्वि ध्रुवी स्विच पूछ ले वो टू पोल स्विच, तो पहला जो वाहक, फिर जो ऊपर बुझाएगा और दो इसके तार निकलेंगे, तो जो हो गया टू पोल स्विच। अब आपसे पूछ ले त्रि ध्रुवी स्विच, तो इसका भी वैसे ही है, थ्री पोल स्विच, एक वाहक, फिर ऊपर से तीन उसकी वो, तो हो गया ये हमारा थ्री पोल स्विच। इधर तक आप लोग को समझ में आया, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे द्वि मार्गी स्विच, वो सिंगल स्विच था सिंगल सप्लाई के लिए, ये टू वे स्विच, ये दोनों जगह सप्लाई करेगा। तो एक भाग लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो हो गया हमारा टू वे स्विच, दो मार्गी स्विच। अब आएगा 15वां, मध्यवर्ती स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। तो जो अपना जो इंटरमीडिएट स्विच है मध्यवर्ती, ये चारों तरफ स्विचिंग सप्लाई करेगा। तो एक बीच में भाग लगा होगा, एक जे लाइन ऐसी जाएगी, एक जे वाली, एक जे और एक ऊपर की तरफ, तो ये अपना चारों तरफ के लिए हो जाएगा। इसके बाद आएगा बहुस्थिति स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच। तो ये गोला लगा, एक इस तरफ जे सप्लाई गई, एक इस तरफ जे सप्लाई गई, अब इसके बाद और कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो हो जाएगा बहुस्थिति स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच। अब याद है लटकन स्विच, पेंडेंट स्विच। तो जो लटकन स्विच और पेंडेंट स्विच जो है, वो एक ऐसा भाग जाएगा, फिर एक उसकी सप्लाई जाएगी, फिर वहाँ से कनेक्टेड होगा, तो जो हो जाएगा लटकन स्विच, पेंडेंट स्विच। सॉकेट आउटलेट, सॉकेट आउटलेट के ये देख लीजिए आप, पहला 5 एम्पियर सॉकेट, तो ये दिख रही है आपको जो डायग्राम, ये हमारा 5 एम्पियर सॉकेट, एक सीधी लाइन और दो ऊपर जो तार। 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, 5 एम्पियर सॉकेट में हमने क्या देखा, इसमें दो थे, और 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट में सिर्फ सिंगल रहेगा। 5 एम्पियर आउटलेट स्विच,
एक 5 एम्पेयर आउटलेट स्विच का जो आउटलेट नहीं रहेगा बाकी सेम रहेगा तो जो हो जाएगा 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट स्विच, 15 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट स्विच। तो इसका भी वही है कि जो डबल वाला जो है ये जो आउटलेट है बस आउटलेट हटा दिया जाएगा, ये जो इसमें आउटलेट लगाता है ये इसमें आउटलेट नहीं लगा होगा, तो जो हो जाएगा 15 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट स्विच सहित। जो स्विच सहित है इसमें स्विच नहीं है, जो खाली एम्पेयर सॉकेट आउटलेट है, जो 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट, जो 15 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट, चेन में आउटलेट लगा है और स्विच नहीं है, इसमें स्विच है और आउटलेट नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 19 बल्ब आउटलेट या बल्ब लैंप आउटलेट और लैंप। सामान्य बल्ब निकास या बल्ब, सिर्फ ऐसा एक क्रॉस बना देना है। दूसरा दीवार या ब्रैकेट पर स्थित बल्ब निकास, तो जे एक दीवार मान के चलो एक लाइन और जे एक इसका निकास है। दीवार या ब्रैकेट पर स्थित बल्ब निकास, तो जो दीवार है वो ये मान के चलो उसके जे जो आपको निकास दिख रहे हैं जे इसकी सप्लाई हो गई। छत पर स्थित बल्ब निकास, ये छत है, ये लेंटर समझ लीजिए आप लोग, ये जो बना है ये लेंटर समझ लीजिए, जो इसका निकास हो रहा है। अगर वो आपसे सिर्फ पूछे सामान्य बल्ब निकास किसी का भी नहीं, तो सिर्फ आपको क्रॉस बना देना है। दीवार पर ब्रैकेट का स्थित बल्ब निकास, तो दीवार ये समझ लीजिए आप दीवार है और ये आपने निकास दिखा दिया। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है छत पर स्थित बल्ब का निकास, तो ये छत समझ लीजिए और जो इसका निकास हो रहा है। जंजीर सहित बल्ब फिक्चर, तो ये देखिए जे बना जे जंजीर हो गई एक तरीके से और जे उसका निकास हो गया, तो ये एक जुड़ा होता है ना जैसे किसी ऊपर से आ रहा है, तो ये वही है। छत सहित बल्ब का बल्ब फिक्चर, ये छत हो गई ये फिक्चर है, जे उसका निकास हो गया। आपात बल्ब इमरजेंसी लैंप, ये देखिए ये आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपात बल्ब आपात बल्ब इमरजेंसी लैंप। आतंक बल्ब पैनिक लैंप, जो आपको जो आतंक बल्ब पैनिक लैंप दिख रहा है ये एक ऐसा गया एक ऐसा गया। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपको ये जितने भी डायग्राम पढ़ाए गए हैं आपको ये सब याद करना है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको 10 तक डायग्राम पढ़ाए गए थे समझाए गए थे, तो आपको याद करना है। और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो या जो कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी होपफुली पूरी हेल्प करेंगे। बाकी आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहें।